मेन इनके करता होता है कल्चर है, इनके माध्यम से और लोकल कॉरपोरेटर और लोकल सपोर्ट से आज यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज जब से कोरोना यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्लड डोनेशन कैंप है और डेली जो राशन पैकेट्स बांटने हैं और अभी ये जो कैंप लगा है जिससे ये महामारी कम होगी आकांक्षा बताई जाती है। तो देखते हैं कितना हम एनजीओ होने के नाते कितना कर पाते हैं। तो एज ए किसान प्रकार से आप लोगों को एक समझा पाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकले, इस पर ये संदेश आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं? डेली उन्हीं तक मैसेज आ रहे हैं, जैसे मार्केट वेजिटेबल खुले रहते थे तो ये सेवा की है कि वो खुली नहीं रहते हुए पर्टिकुलर उनको टाइम दिया और यहाँ पे ग्राउंड पे ही फ्रूट मार्केट और वेजिटेबल मार्केट खोल दिया गया है कि दोपहर के टाइम पे 12 से 3 वो खुला रहेगा जो लोग आके अपने सहूलत के हिसाब से खरीद सके और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर सके। तो उससे काफ़ी हेल्प हो रही है और जो रेशो यहाँ इतना बढ़ जाना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, लोगों में काफ़ी उससे अवेयरनेस आया हुआ है। तो यहाँ ज़रूरतमंद लोगों की जिस प्रकार से आप सेवा कर रहे हैं, लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो खुद का कितना आप ध्यान दे पाते हैं कि लोगों के साथ साथ आप खुद पे भी कितना ध्यान दे सके, क्योंकि जो महामारी किसी को पूछ कर नहीं आते। पहले अपना ही ध्यान देना है क्योंकि अगर हम अपने आप को फिट रखेंगे तो लोगों को हम फिट कर पाएंगे। तो वो हिसाब से पहले लोगों को हमको अगर कुछ अवेयरनेस लाना है तो हमको पहले अपने आप में अपने अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों को? प्लीज़ आप घर में रहिए, लॉकडाउन का प्रॉपर पालन कीजिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। थैंक यू सर।